भजन और जगराता, इसका फर्क थोड़ा समझाइए। हाँ, फर्क यह है, जगराता का मतलब है कि आप माता वैष्णो देवी के भजन गा रहे हैं, दुर्गा माँ के भजन गा रहे हैं। अच्छा, जगराता का मतलब है कि आपको सारी रात जागना है और भजन गाना है, सुबह फिर उठ के उसकी आरती होती है। तो जगराता तो धान धोड़ू वाला ही होना चाहिए, नहीं तो लोग सो जाएंगे। तो कभी आप इस तरह के कार्यक्रम करते हैं जगराता? जगराता का नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन एक दो माता के बेटे हम गाते हैं, जैसे आपको सुनाते हैं जी। ओ तेरे हाथों की लकीरों का हिसाब मैया तेरे पास है, मैया तेरे पास है, हम सब की तकदीरों का हिसाब मैया तेरे पास है। अब ये पूरी रात जब चलता है तो जगराता हो जाता है। बिल्कुल, एक दो चीजें बस और, कि जो ये दौर बदला है संगीत का खास तौर पे, और जिस तरह कहाँ बदला है, जिस तरह के लिरिक्स हैं या जिस तरह के संगीत अभी बन रहा है। नहीं, किस क्षेत्र में? फिल्मी म्यूजिक। फिल्म म्यूजिक बात कर रहे हैं। फिल्म म्यूजिक। ठीक ठीक। तो क्या उसका कोई दबाव या कोई प्रेशर जो अन्यत्र, चाहे वो गजल हो चाहे वो भजन हो, क्या उस पर भी पड़ता है कि हमें वहां से थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ेगा, वरना हम कहीं पीछे ना हट जाए, ये विधा कहीं पिछड़ ना जाए? क्या आप पर कभी कोई इस तरह का दबाव रहता है, या आपको लगता है कि जो है बिल्कुल यही है? रोज कार्यक्रम करता हूँ जी, और वैसे ही गाता हूँ जैसे आज 50 साल पहले गा रहा था, उसमें कोई अंतर नहीं है, उसी तरह राग लेके गाता हूँ। और ये जो फिल्म संगीत है तो बिल्कुल परफेक्ट है आज, क्योंकि फिल्म संगीत तो फिल्म के लिए बनता है। अब फिल्म बनेगी दबंग तो मुन्नी को बदनाम होना पड़ेगा। अगर फिल्म होगी उमराव जान तो गजलें आएंगी एक से। तो फिल्म के लिए फिल्म संगीत बनता है, उसको दोष न दीजिए। हम तो कहते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स को अवार्ड दीजिए कि उन्होंने फिल्म को देख के फिल्म संगीत दिया। जय हमारे अनु मलिक जी हैं, अनु मलिक जी ने आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा वो भी दिया है, और मोह मोह के धागे भी दिया है। हाँ, क्या बात। संदेशे आते हैं ये भी दिया है। बिल्कुल। तो इसलिए कि उनको सब कुछ आता है, लेकिन अगर किसी को यही चाहिए तो यही देना पड़ेगा ना, फिल्म वही चाहिए।